देखिए मैम, मैं आपको शुरू से समझाता हूं। आज सुबह आपके पति टैक्सी चला रहे थे, उस टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ। हम दोनों में से तो किसी को चोट नहीं लगी, मगर टैक्सी का काफी नुकसान हुआ। उसके बाद उनका किसी के साथ झगड़ा हुआ, जिसके वजह से पुलिस आकर उन्हें ले गई। अब बात यह है कि आपके पति मुझसे नाराज है और मेरी वो चीज नहीं लौटा रहे जो उनके पास है। आप भी मेरी एक बात ठीक से समझ लीजिए। मेरे पति मुझसे गलत बोल सकते हैं कभी कभी, लेकिन झूठ कभी नहीं। देखिए मैडम, मुझे आपके पति से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ अपने सामान से लेना देना है। आप प्लीज उनका नंबर दे दीजिए। आप भी कह रहे थे ना पुलिस उनको पकड़ के ले गई, तो जाइए ना। आप उनसे पुलिस स्टेशन में जाके क्यों नहीं मिल लेते? गया था मैं, मगर वो वहां से भी भाग गए। क्या? आप प्लीज उनका नंबर दे दीजिए। नहीं, मैं खुद लगाती हूँ ना फोन, और अगर आपकी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो आपका सामान मिले ना मिले, आज के बाद इस घर में मेरा सामान नहीं मिलेगा। फोन बंद है शायद, अब नंबर ले लीजिए। जी बोलिए। 9821515। शुक्रिया। हेलो राघव शास्त्री, मैं जय मित्तल बोल रहा हूँ। मेरी बात सुनो। देख राघव, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। मैं तुम्हारे घर भी गया था, और बाय मिस्टेक मेरी वजह से मैंने तुम्हारे लिए एक और प्रॉब्लम खड़ी कर दी। थैंक यू। देख राघव, जितनी भी गलती हुई मेरी तरफ से, मैं उन्हें ठीक करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारी नौकरी LIC में करवा दूंगा, 10 पॉलिसियां भी दिलवा दूंगा, बीवी को समझा दूंगा, जो जिंदगी चाहिए सब कुछ दिलवा दूंगा। मुझे उमर कैद चाहिए तेरे मरने के बाद, देखा? What? हेलो राघव, We'll be right back.
राघव शास्त्री, अब तो देख तमाशा। दूसरों के मीटर तूने बहुत डाउन किए, तेरा मीटर अब मैं डाउन करूंगा। काले और पीले रंग के अलावा तू देख मैं तुझे क्या क्या रंग दिखाता हूँ। हाँ, जिस रंग से होली खेलनी है खेलना। तू राधा, मैं किशन, तैयार हूँ, जो होगा देखा जाएगा।